सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया पर सब कुछ बहू लेकर चली गई। आरोप है कि बहू स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। और हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त शहीद अंशुमान के माता पिता के साथ में मौजूद हैं। राजीव बातचीत कीजिए उनसे। अमनदीप, 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सियाचिन में अपने साथियों को बचाने में शहीद हुए थे। उसके बाद बीते 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र दिया है। लेकिन इस बाद इस वक्त हमारे साथ उनके पिताजी राम प्रताप सिंह जी, जो खुद एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, अंशुमान को कीर्ति चक्र मिला है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बेटे ने जो शहादत दी और बींग ए डॉक्टर उसने जिस जांबाजी के साथ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे लोगों की जिंदगियां बचाते हुए शहादत को गले लगाया, या पूरा देश उसके साथ खड़ा था, क्योंकि अंतिम यात्रा में जो रोडों पे लोग उसके नाम को लिख करके और पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो श्रद्धांजलि हमारे लिए आज भी दिलों में हमने सजो के रखा है। और भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो सहयोग हमें दिया वो आदरणीय और अनुकरणीय है। मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुझे लगा नहीं कि मैं किसी प्रदेश के मुखिया से मिलूं। उनकी आंखें भी नम हुई और केंद्र सरकार में मेरी मुलाकात माननीय रक्षा मंत्री से हुआ तो उन्होंने ऐसा डोमेन प्रोवाइड किया कि मैं किसी बड़े भाई से मिल रहा हूं। तो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूं और मेरा परिवार सदैव कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने उस शहादत को रिकॉग्नाइज किया वो उम्मीद से बड़ा है और मैं सदैव मेरा परिवार इसके लिए कृतज्ञ रहेगा, राष्ट्र का और इन दोनों सरकारों का। लेकिन सर, इस वक्त आपने कहा कि कुछ दर्द आपको है, क्योंकि जिस तरह से कीर्ति चक्र मिलने के बाद जो कीर्ति चक्र था वो आपको छूने का मौका नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला, जो कीर्ति चक्र था या जो धनराशि थी वो आपकी बहू लेकर चली गई, इसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, धनराशि का अपना एक प्रक्रिया है, जो मापदंड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 50 लाख की धनराशि दी थी उसमें 35 लाख रुपए मेरी बहू को और 15 लाख रुपए परिवार को उसी दिन यानी 21 जुलाई 2023 को ही मिल गए थे। राज्य सरकार ने एक नाम सड़क के नामकरण का जो कहा था वो भी माननीय राज्यपाल महोदया के सर्कुलर से अक्टूबर महीने में ही हो गया, जो मेरे गाँव से होकर गुजरता था। और एक जो परिवार के सदस्य को नौकरी की बात थी वो भी माननीय योगी जी ने उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और रही बात जो और एक्सग्रेशिया कार या सम्मान की राशि है, तो मुझे जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जो एक्सग्रेशिया का पैसा था वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो जो भी उसके निर्धारित मापदंड है मिलेंगे। पैसे को लेकर के हमारी कोई भी मतभेद या मेरे परिवार का मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी पैसे की बात रही नहीं। दर्द तो कुछ यूं झलका कि ये जो चक्र मिला तो दास्तान शुरू ही उस दिन से, जिस दिन राष्ट्रपति भवन में ये जा रही थी रिहर्सल के लिए मेरी वाइफ, तो जो वहां पे एक पेपर के तौर पे दिया गया तो उस समय मेरी पत्नी ने उसको हाथ से पकड़ा तो सीओ साहब आए और उन्होंने कहा कि आपकी, उन्होंने कहा होगा मेरी बहू ने कि इन्होंने हाथ से पकड़ा था और अपने पास पकड़ के रखा, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बिल्कुल डेकोरम मेंटेन किया जाएगा और आप अगर कहते हैं तो मैं या मेरी पत्नी हम रक्षा अलंकरण समारोह में भी नहीं जाने के लिए तैयार, हम नहीं जाएंगी वो, और ये मेरे बेटे का जो सम्मान है वो पूरी सम्मान के साथ ग्रहण वो करें और हम इसके लिए ये भी शहादत देने के लिए तैयार हैं कि वो नहीं जाएंगे। फिर मैंने पत्नी से कहा कि आप केवल सिंबॉलिक रूप से उसको हाथ लगाइएगा, अगर उनको मेरी बहू को अच्छा नहीं लग रहा है तो। आपने देखा होगा कि वहां इन्होंने सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पर हाथ लगाया और बड़े झिझक के साथ फिर उन्होंने छोड़ दिया। आने के बाद हमने सीओ साहब से और उनके दोनों माता पिता से कहा था कि एक मूर्ति लग रही है हमारे बेटे की जो लखनऊ में, तो हम चाहेंगे कि ये जो चक्र है ये उस बहादुर के सीने पे शोभा दे और ये वहां लगाएं और फिर आपको हम सम्मान वापस कर देंगे। तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कहा कि आई विल कंसिडर एंड आई विल थिंक अबाउट इट,
और उसके बाद वो जब तक हम 6 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी से मिल करके अभी होटल पहुंचे 1 बजे, तब तक वो 12 बजे चेकआउट करके चले गए थे। उनके पिताजी का स्विचाव था और कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं। और भारत मंडपम में लगभग 10-10:30 बजे तक हम लोग जब तक डिनर कर रहे थे अवार्डीज और उनके पेरेंट्स, उनके जो गेस्ट थे, तब तक वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में था लेकिन हमारे बगल में ही सोफे पर बैठी थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि अप्पा ये लेकर के, अम्मा आप एक बार लेकर के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। बिंग एक फौजी मैं उस दर्द को समझता हूँ और उसकी ग्लोरी को भी समझता हूँ। अगर हमारे हाथ में आता तो कम से कम हम देख करके एक क्षण की खातिर ही, लेकिन भाव विभोर जरूर होते। और जो खट्टी मीठी यादें थीं बेटे की, या वो तो हमेशा रहेंगी, उसके साथ कुछ कम से कम पुरानी यादें जो अंतः प्रदेश में उठती हैं और उन उद्गार के साथ हम भी आह्लादित हो लेते, वो उस अवसर से हम वंचित हुए। और जब ये हृदय की वेदना थी तब ये सरबजमाई, जो कि समाज में नहीं आनी चाहिए, जो कि चल रहा है कि पैसे को ले देकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैंने न चाहा है न मैं चाहता हूँ। आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। एक सपना होता है हर एक फौजी का कि कीर्ति चक्र दूसरा बड़ा सम्मान है, और वो मौके पर आपके बेटे को मिला, ये गौरव की बात है, और वो आप नहीं टच कर पाए। निश्चित रूप से टच नहीं कर पाए। तो जो आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद की कलियों ने पुष्पित पल्लवित होने से पहले उन पर तुषारपात हो गया, मैं कदाचित ऐसा आभागा पिता हूँ जो यही महसूस कर रहा हूँ, और ऐसा हो जाता तो शायद बेहतर होता। आप इसको लेकर क्या मांग करना चाहेंगे कि इस तरह की जो रिप्लिका होती है वो दोबारा दी जाए, ताकि दोबारा किसी एक अगर पत्नी को मिले तो एक उसके परिवार को भी मिले? हाँ, मैं ये जरूर, मेरी इच्छा है, मैं डिमांड तो आप नहीं कह सकते, इच्छा जरूर है, क्योंकि अंतर प्रदेश में उठे हुए उद्गार हैं जो कि अब ये शब्दों का रूप ले रहे हैं। अगर रेप्लिका दो मिले और पत्नी अलग जाती हैं या अलग रहती हैं, तो उस केस में अगर दो मिले तो कम से कम माता पिता भी शामो शहर अपने उस अवार्ड को देख करके कम से कम सम्मान के साथ जी सकते हैं। और पत्नी तो हैं ही जो ये दुख झेल रही हैं, क्योंकि देखिए मेरा बेटा जब शहीद हुआ था तो 19 जुलाई को ही, ये बड़ा एक हृदय विदारक मंजर होता है कि किसी पिता को ये हो कि आपका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो सहसा ये विश्वास कर पाना और झेल पाना ये बहुत छोटी चीज नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी इसी भौतिक जगत का प्राणी हूं, लेकिन चूंकि मैं एक्स फौजी रहा और कुछ सिखलाई रही और कुछ मेरे आप कह सकते हैं कि मेरे पूर्वजों की जो DNA था या जो भी रहा हो, तो मैंने अपने आप को सोझोया और ये ऑन द रिकॉर्ड कहा कि आप ये बताएं कि मेरा बेटा वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से, तो ये बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत वीर था और वीरों की तरह से शहीद हुआ। तो मैंने कहा जो मैं खो चुका वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मुझे फक्र है कि मेरा बेटा कायर नहीं था, वीर था और वीरों की तरह से उसने शहादत दिया। तो ये जो जज्बा होता है, अगर मैं देखता उस चक्र को या हाथ में लेता तो निश्चित रूप से उसमें 4 चांद लगती और मैं और गौरवान्वित महसूस करता, जो अवसर मुझे नहीं मिला। अमनदीप, इस वक्त हमारे साथ अंशुमान की मदर भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस गौरवशाली परंपरा की जो भारत की रही है अपने बेटों के बलिदान को देखते हुए उसको निभाया है। मैडम, जब हम लोगों ने वीडियो में देखा कि आप कीर्ति चक्र ले रहे थे, किस तरह की उस समय फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बहुत अच्छा थी, पर एक माँ का दर्द भी था उसमें कि एक मैं ही माँ नहीं थी, वहाँ बहुत माँ थी, और हर देश की एक माँ के लिए औलाद ही जरूरी है और कुछ नहीं। ये सम्मान तो उनके जाने के बाद एक गर्व की बात है, पर एक माँ के लिए औलाद चाहिए था। वहाँ मेरा बेटा वहाँ होता ना तो शायद और गर्व की बात होती। मैं चाहे उनका ही सेवा करती पूरी जिंदगी, पर मेरे बीच होते, सांस ले रहे होते तो और अच्छा होता। मैं आज भी 19 जुलाई के ही दिन बैठी हूँ, और महसूस तब हुआ जब कीर्ति चक्र मिला, तो तब लगा कि 1 साल होने वाला है, नहीं तो मैं अभी भी 19 जुलाई 2023 उसी दिन बैठी हूँ, वही दर्द लेके रात और दिन। मेरे लिए 1 साल नहीं हुआ है, वही दिन है, और मैं ऐसे ही जीऊंगी, और मैं तो जीना नहीं चाहती लेकिन जीऊंगी, ये जो सम्मान मिला है इसके लिए। मैडम, बहुत सपने अपने पाले थे जब बेटा अफसर हुआ, क्या सोचा था ये दिन देखने को मिलेगा? और जब आपको कीर्ति चक्र मिला जो कि सर्वोच्च सम्मान में से एक है, उसके बाद फिर ये हुआ कि आपको वो छूने तक देने में उनको तकलीफ हो रही थी? जब रिहर्सल हुआ तो उनको तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जब दो दो आदमी पकड़ते हैं तो कंफ्यूज होता है कि कौन छोड़ रहा है, तो शायद वो पहले छोड़ दी तो मेरे हाथ में आया,
कोई मेरी जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो यीशु बनाई सी हो साहब से, मैं उनके उसके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं कि बच्ची है मेरी, वो एक तरह से समझिए बहू नहीं थी, वो मेरे लिए अंशुमान एक बेटा ही थी, और मैं बार बार बोलती थी, और एक मैं ही माँ नहीं हूँ, हर माँ के लिए ये है कि मैं अगर माँ के लिए चार बच्चे हैं तो उतना ही प्यार होता है, फर्क इतना है कि कौन बच्चा कितना लगाव अपने माँ से रखता है, मैं अकेली माँ नहीं, हर माँ चार दस बच्चे पैदा करे वो बराबर इक्वल होता है प्यार, पर वो बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने माँ का वो दिल जीतता है और इतना करीब होता है, वो मेरा बेटा था, वो अलग ही था, मैं नहीं अलग थी, ये हर जगह मैं अपने आप को नहीं बैठा सकती, मैं बहुत अच्छी माँ, हर माँ अच्छी होती है देश के, पर वो बेटा वो ऐसा था, उसका सम्मान मिला है, माँ बाप तो हर माँ बाप एक ही जैसे होते हैं अपने औलाद के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात है उस औलाद पे कि वो कौन औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए। राजीव एक सवाल ये भी कीजिएगा कि अंशुमान की वो कौन कौन सी यादें हैं जो स्मृति अपने साथ में ले गई है, जिन्हें माता पिता चाहते थे वो रखना, इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई थी। बेहद कम समय में अंशुमान ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हुए। ऐसे में वो कौन कौन सी यादें हैं जो आज भी आपको याद आती हैं? वो डरते नहीं थे, वो पहले भी 2013 में सियाचिन टॉपर थे, पांचों मिलिट्री स्कूल से हर स्कूल से एक बच्चा चुना गया था, उसमें मेरा बेटा 11th था, उनका एक महीना पेपर था फाइनली, और उनको चुना गया प्रिंसिपल जो वहाँ जो भी कर्नल जो भी थे, तो हमें बताया नहीं गया कि अंशुमान गए हैं, जब वहाँ टॉप करके आए थे वहाँ झंडा गाड़ गए थे वहीं सियाचिन में, तो जब हम बाद में गए तो हमें पता चला कि मेरा बेटा ही उसमें गया था, टॉप करके आया था, जो चारों स्कूल के बच्चे वो नहीं वहाँ पहुँच पाए, तो थोड़ा दुख हुआ कि पेरेंट्स से पूछना चाहिए प्रिंसिपल को, पर उस उन्होंने ये बताया कि इसलिए अंशुमान को चुना गया कि वो फाइनल भी टॉप करेंगे और जहाँ जा रहे हैं वो भी टॉप करेंगे, तो खुशी हुई, लेकिन एक माँ करना था कि बिना पूछे भेजे, तो वो शुरू से ही करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश को भी टॉप कर रहे थे, जब भी वो सिलेक्शन में जाते थे कहीं भी जाते थे वो टॉपर ही थे, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि उनका बोर्ड पे नाम नहीं, स्कूल से लेके और पूरी जर्नी ऐसे फैमिलिया बोलती थी कि देखना ही क्या है, अंशुमान का ही नाम होगा। हम जी 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 वो 2 साल इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट रैंकिंग उनकी थी, और वो मैथ और बायो दोनों कोर उनका सब्जेक्ट था, और वो उनकी जो आईआईटी की रैंकिंग थी जेईई एडवांस की 2015 में वो 18,735 थी, और जेई मेन के तौर पे उनका सिलेक्शन केमिकल इंजीनियर एनआईटी जलंधर में हुआ था, उसके एक महीने बाद जो आईपीएमटी कैंसिल हुई थी उसका रिजल्ट आया था, तो ये चयनित हुए पहले 15% कोटे के अंतर्गत राजेंद्र और विज्ञान संस्थान रांची के लिए, वहां पर मैंने एडमिशन कराया, उसके बाद ये एएफएमसी में गए डॉक्टर बनने के लिए, और इनकी एएफएमसी में रैंकिंग 30 थी, तो ये परिवार का हमारा ये मतलब सुझाव था कि बेटा आप डॉक्टर बने, और इंजीनियर बनने के बाद तो आप आईआईटी के बाद कहीं देश विदेश जाके बस जाएंगे, तो ये जनता का क्या मिलेगा? एक चीज और लोग जानना चाहते हैं कि अंशुमान और स्मृति कब संपर्क में आए, कैसे? वही बता रहे हैं, तो मैंने कहा कि बेटा आप ये करें, तो जब मैंने चूंकि जिस दिन एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ था उसी दिन नेशनल सीट एलोकेटिंग अथॉरिटी जो होती है जो एआई जेई मेन के तौर पे उसके सीट एक्सेप्ट करने का डेट था, आखिरी डेट था, तो हम कपूरथला घर नहीं गए, सबसे पहले जलंधर एनआईटी और सीट को एक्सेप्ट किए, तो उनका एडमिशन हुआ, एडमिशन में वो एक महीना वहां पढ़े, और उसी बीच में हमारी बहू आई थी सिविल इंजीनियर करने के लिए, तो इनकी बातें या इनका जो भी प्रेम ये रहा होगा, और वो जैसा उन्होंने कहा है कि 8 साल था, तो मेरी जानकारी में तो नहीं था कि 8 साल था, लेकिन हाँ ये तो जरूर था कि वो इनकी बातचीत किसी से होती है, और कभी एक आध साल तक एक दूसरे से जो दोस्तों से पता चला नहीं हुई, और शैसा उन्होंने शादी के लिए कहा कि डैडी हम शादी कर लेते हैं, हमने कहा बिल्कुल, तो किससे कर लें, तो उन्होंने कहा कि इससे कर लेते हैं, तो मैंने एक ही शब्द कहा कि क्या आप समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, बोला कि हाँ डैडी ठीक है कर लेते हैं, हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, और हमने शादी कर ली। तो बड़ी उम्मीदों के साथ खुशी के साथ आपने शादी की थी, उसके बाद क्या सोचा था कभी ये दिन देखने को मिले?
नहीं, ऐसे लगा नहीं था, और कोई ऐसा सोच नहीं सकता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके जाएगा, वो भी दुनिया में नहीं रहेगा, ये तो कभी हम दिमाग में ही नहीं आएगा। और फौज तो ऐसे ही है, फौजी जो होते हैं उनको डर नहीं होता है, और मैं एक फौजी की बीबी, मुझे डर नहीं लगता था कि मेरा बेटा फौज में है। मुझे अभी भी दो बच्चे हैं घर में, मैं चाहूंगी कि जाएं, पर वो क्या है कि जो करता है वो यूनिक होता है, वो अलग ही पर्सन होता है, वही कर सकता है जो ऐसे जज्बा रखता है, और मेरे बेटा में वो जज्बा था, कुछ भी कर गुजरता था, कोई ऐसा चीज नहीं जो आगे बढ़ के नहीं किया, वो बच्चा था तब भी, बड़ा हुआ तब भी। और जो मुझे खुशी थी कि मैं ऐसे शादी करूंगी कि देखेगा लोग, चाहे फैमिली चाहे, और मैं वैसे ही की, मैं उसको बेटी तो बाद में बोलूंगी, मैं उसको अंशुमान बोलती थी, अभी भी मैं, मेरे लिए वो बेटी ही है, कहीं भी रहे वो बेटी ही है, बहू तो जो समाज में बोला जाता है तो बहू मैं समझती हूँ, बहू बोल देती हूँ, पर मेरे लिए वो अंशुमान थी, और मैं बोलती थी तू मेरा अंशुमान।